गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग कपड़ा। मैं ये कपड़े क्यों लेकर के बैठी हूँ, तो हम आज यही कपड़े के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात 2019 की है, जब हम लोग शुरू शुरू यहाँ डेरा शिफ्ट किए थे। तो देखिए कि मेरे हस्बैंड के पास में ढंग का कपड़ा नहीं था। कपड़ा है पर उदास दिखता है उसका कलर, इसीलिए मैं सोची कि नहीं, इसके पास में कपड़ा नहीं है। तो फिर मैं चुपके से गई, फिर दो पैंट और दो शर्ट खरीद कर लाई। तो वही कपड़ा अभी तक वो पहनते ही हैं। दिखने में भी ठीक ठाक ही है पर थोड़ा सा डिसकलर हो गया है, तो कोई कोई अच्छा नहीं दिखता है। 10 तारीख को उसका बर्थडे था, तो मैं बोली कि चलिए आपके लिए कुछ गिफ्ट है ले देते हैं बोल करके, सरप्राइज रहेगा। तो वो नहीं बोले। उसके बाद मैं बोली कि चलिए ना दुकान तरफ जाते हैं। तो पूछे क्या करने के लिए, तो मैं बोले कि कपड़ा लेना है। तो किसका, तो आपके लिए बोल करके, तो इनकार कर दिया कि नहीं अभी मेरे पास है कपड़ा, भी नहीं लेना है, अभी और कुछ दिन रुक जाते हैं, उसके बाद में लेंगे करके नहीं लिए। उसके बाद में फिर एक दिन कहीं जाना था, तो फिर वही पैंट और शर्ट निकाल करके पहन रहे हैं। तो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है। तो फिर मैं बोली कि देख रहे हैं अच्छा भी नहीं दिख रहा और यही कपड़ा पहन के जा रहे हैं। तो मैं बोली कि मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ में। तो फिर ठीक है बोल करके बोले। उसके बाद में फिर 1 सप्ताह हुआ, तो अपने से गए, उसके बाद में देख सकते हैं ये ले करके आए हैं। तो मैं यही कपड़ा को आप लोग के सामने शेयर करती हूँ और बतलाती हूँ कि इसका प्राइस कितना कितना है। तो देखिए ये शर्ट का दाम कितना है उसको दिखलाते हैं। ये शर्ट है 1899 रुपये का, और ये लोअर भी है 1295 रुपये का, यानी कि लगभग 1300 ही पकड़ लीजिए। और ये जीन्स ब्रांडेड जीन्स है, यही जीन्स ये पहनते हैं जो कि 3 साल 4 साल तक चलता है, सेम कलर रहता है। आप देख ही रहे हैं दिखने में भी कितना उदास उदास ही दिख रहा है, पर यही रहता है जैसा न्यू में लुक है इसका। 3 साल 4 साल भी हो जाता है, कितना रगड़ करके पहनता है, लेकिन भी ये कलर यही का यही सेम टू सेम ही रहता है। तो देख सकते हैं इसका प्राइस कितना कितना है, इसको बतलाते हैं आप लोग को। 2699 रुपये लिखा हुआ है, यानी कि 2700 ही पकड़ लीजिए। तो ये पैंट रहा 2700 रुपये का, और एक पैंट है इसका है 3199 रुपये, यानी कि 3200 रुपये। ये ला करके दिखलाए कि मैं कुछ लाया हूँ बोल करके, तो मैं क्या लाया हूँ बोल करके मैं सोचने लगी। फिर देखी कि क्या है, तो इसका कैरी बैग था, पर वही हम समझ नहीं पाए थे कि इसमें क्या है। तो ये छीना छीनी में नहीं दिखाना चाह रहे थे, तो ये छीना छीनी के चक्कर में कैरी बैग आजकल कागज का रहता है तो फट गया, तो मैं फेंक दी, तो आप लोग को वो दिखा नहीं पाई। तो ये रहा, तो मैं देखी इसका दाम और मेरा तो दिमाग ठनक गया कि क्या इतना इतना महंगा का पैंट और शर्ट, ऐसा ही ये करेंगे तो घर द्वार कैसे चलेगा, ये क्या हीरो बनना चाहते हैं क्या, ये सब पहन के मुझे तो डाउट ही होता है कि कहीं ये और दूसरा तो पटाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा गैस कि हमारे 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे के बाप हैं, फिर भी ये इतने महंगे महंगे कपड़ा पहनते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ा नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अबर ही हुआ, इतना महंगा महंगा कपड़ा लेकर के आए, तो कभी कभी लगता है कि कहीं कोई लड़की तो खरीद करके गिफ्ट नहीं की, या फिर खुद जा करके खरीदे। कहे कि हम 2-3 बार इसको बोले कि चलिए चलिए बोल करके, लेकिन मेरे साथ नहीं गए, फिर अचानक से ऐसा प्लान करके कैसे खरीद कर लिया है। तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा या फिर ये मेरा गलत फहमी है। तो आप लोग मेरा मदद कीजिएगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा मेरा जो गलत फहमी है या सही है, ये चीज को आप लोग शेयर कीजिएगा। और मुझे सोच ऐसा नहीं रखना चाहिए। तो चलिए इतना ही आज के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय।